Do subscribe to Ikeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. Question number 2. Abhi second question hai, integral bracket square bracket 9 minus x by 2 whole bracket raise power 8 uske baad plus second bracket mein 4x plus 5 bracket raise cube dx. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं. सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 9 माइनस एक्स बाय टू रेज 8 डीएक्स, एक पार्ट हो गया, फिर मिडल साइन है, प्लस इंटीग्रल सेकेंड पार्ट है 4x प्लस 5 रेस 3 dx इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनर फंक्शन है वो x में होना ज़रूरी है. तो पावर रूल से इसका आंसर क्या आएगा, 9 माइनस x बाय 2 एज इट इज, पावर में नंबर 8 है तो 8 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 9. सेम टर्म कहाँ आना चाहिए, डिनोमिनेटर में, तो अपॉन 9 इंटू, अब इंटू यहाँ पे क्या रह गया, x का कोएफिशिएंट. तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, माइनस 1 अपॉन 2, तो इंटू आएगा माइनस 1 अपॉन 2. उसके आगे प्लस, फिर सेकेंड टर्म जो है 4x प्लस 5 उसका क्यूब. अभी यहाँ पर भी इनर फंक्शन है वो x है, तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो रूल से क्या आंसर आना चाहिए, 4x प्लस 5 ब्रैकेट रेज पावर कितनी है 3, तो 3 में 1 प्लस कर दो, टोटल हो गई 4 अपॉन 4. अब क्या रह गया, इनटू डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट आना ज़रूरी है. अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 4, तो इनटू 4 प्लस आगे क्या आएगा, c, तो c क्या रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब अगर हमें इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अब ये जो 2 जो नंबर है वो कहाँ जाना चाहिए, न्यूमरेटर में, तो आंसर हो गया माइनस 2 अपॉन 9 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स बाय 2 रेज 9 प्लस 4x प्लस 5 रेज 4 अपॉन 4 इंटू 4 हो गया 16 प्लस सी. सो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉब्लम का आंसर.